हाय वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संतोष। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विथ आवर न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, हेयर वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इट इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम, always it is useful for competitive exam also. So students, let's start today's topic. Students, at first, if you are new in my YouTube channel, then subscribe my channel, like the video and share to your friends. Students, if you like my videos, then comment on comment section, and if you have any problems, you can also discuss with me on the कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स स्टूडेंट्स स्टार्ट्स टुडेज टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट लेट्स वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एज यू नो दैट अ पॉलिनोमियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन्स इफ अल्फा बी अ जीरो, दैट मीन्स क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड coefficients of the polynomial, linear polynomial. So students, in such a way, here we will see the relationship between the zeros and coefficients of quadratic polynomial. Students, as you know that the standard form of quadratic polynomial is क्या होता है, ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c। यहाँ पे अब हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है। अगर आप कोई आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास टेंथ का और क्लास नाइन्थ का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पॉलिनोमियल का एक टॉपिक होगा। उस पॉलिनोमियल के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर पिछला वीडियो आपने देखा है, तो यहाँ पे समझने में आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड रिलेटेड टर्म्स। सो गाइज, यहाँ पे चलिए देखेंगे, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं क्या होता है कि अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो डिपेंड करता है, इसका नंबर ऑफ जीरोज इज डिपेंड्स ऑन द डिग्री, ठीक है। तो डिग्री जितना होगा उतना इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे डिग्री अगर आपका 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री क्या है, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशनशिप जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें, चलिए इसको प्रूफ आज हम लोग प्रूफ के साथ भी देखेंगे कि इसका रिलेशनशिप जो है वो कैसे आता है। चलिए जनरली इसका ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि इसमें दो जीरो दो टाइप का आता है रिलेशन। एक तो आता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि एक है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। चलिए आज हम लोग इसी को प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर ये आता कैसे है। चलिए देखते हैं, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन जनरल हम लोग मान लिए कि यहाँ पे दो जीरोज होगा, तो पहला जीरोज कौन है, अल्फ़ा है, और दूसरा जीरोज आपका क्या है, बीटा है। स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ जान जाए, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ग्रीक लेटर्स है ऑफ अल्फ़ाबेट है, जो कि मैथमेटिकल टूल में हम लोग डिफरेंट मैटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है, पहला दो जीरोज मान लिए हम लोग, अल्फ़ा और बीटा। सो
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, कभी भी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस कंडीशन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाता है तो आपका क्या रिजल्ट फिर बनेगा, बी एक्स प्लस सी आएगा, जो कि विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका बदल जाएगा किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। इसलिए अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होना होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन दिया होता है। देन वी नो दैट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स। अभी आपको हम बताएं कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा, इसका दो जीरो जीरोज था, दो जीरोज हम लोगों ने माना, तो एक क्या है एक्स इक्वल टू अल्फा और दूसरा एक्स इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, आपका ये दो क्या बदल गया, दो फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स होंगे, इस पॉलिनोमियल का ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होता है, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम लोग चूंकि इसको जब फैक्टराइज किए थे, तो फैक्टराइज करने के बाद हमें ये फैक्टर्स मिले, इसका मतलब है कि जब इस दोनों को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के इंटू एक्स माइनस से इंटू एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ से के आपने कहाँ से ले आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए क्या होता है कि अगर कोई फैक्टर्स है, फैक्टर्स को चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ये इस तरह से आता है 2x² 4x और प्लस 8, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 ओवरऑल से कॉमन कर लिए तभी ये क्वाड्रेटिक बना। तो ये जो कॉमन टर्म कुछ आएगा, कुछ कॉमन टर्म होगा, जो उस कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग नोटेट करते हैं के से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ तक किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे, अब यहाँ से हमें क्या हो जाएगा फिर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से सिंपल इसको हम लोग इसके जो टर्म्स है सिमिलर टर्म्स, इस सिमिलर टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ दीज साइड्स वी गेट। अगर दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इसके जो सिमिलर टर्म्स है उसको कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ए एक्स स्क्वायर और इधर क्या था आपका, के एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ से हम लोग को कंपेयर करने से क्या मिलेगा, चूँकि एक्स स्क्वायर सेम है तो ये ख़त्म, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, के। इस तरह से कंपेयर करने से आपको क्या मिल गया, ए इक्वल्स टू के मिल गया। अब बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरह से फिर क्या हो गया, सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर के का माइनस के यानी के सॉरी के है जो के किसका वैल्यू था, ए का था। दैट मीन्स के कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए, के को हम लोग रिप्लेस कर दें ए से। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दैट इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये पहला रिलेशन मिला जो कि क्या है, सम ऑफ रिलेशन, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। और सिमिलरली अगर हम लोग फिर देखें कंपेयर करें, तो यहाँ से क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू के था इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी। तो अब ये के कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए, सो ए गोज टू राइट साइड एंड इट विल डिवाइड, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सी बाई ए। और इस तरह से आपका ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यही आपका क्या है, रिलेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, इसमें क्या है, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। आई होप स्टूडेंट्स यू आर इंजॉइंग दिस सेशन, सो लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।
चलिए इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझने का कोशिश करते हैं। और आई होप कि आपको इसे काफ़ी अच्छे तरह से आप इसे समझ पाएंगे। चलिए एग्जांपल में देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इसका हम लोग क्या करना है, सिंपली आपका दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसका आपको क्या करना है, पहले तो जीरोज निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरोज फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग इसको जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर निकल जाएगा, उसके बाद जीरो से कंपेयर करके हम लोग बस आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन जानते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स प्लस फाइव एक्स, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सेवन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस टेन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जब पूरा से एक्स कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है इससे, ये दोनों टर्म से, तो x कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा x प्लस टू। और जब हम लोग इस दोनों से 5 कॉमन कर लें प्लस 5, तो अंदर से क्या मिल जाएगा x प्लस टू। अब ऑल ओवर से क्या कॉमन है, x प्लस टू कॉमन कर लेंगे एक फैक्टर, तो अंदर क्या बचा x प्लस फाइव, यानी कि आपका इस तरह से दो फैक्टर मिल गया, कौन कौन सा, एक x प्लस टू और दूसरा क्या है x प्लस फाइव है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जीरोज के लिए, यानी कि x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस टू और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस फाइव। दैट्स इन दिस वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज। तो यहाँ से पहला जीरोज आपका यानी कि अल्फा क्या हो गया, अल्फा इक्वल्स टू माइनस टू और बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस फाइव हो गया। और इस तरह से हम लोग जीरोज फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग का ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका हुआ। अब सेकंड इसका क्या था, सेकंड अब इसको वेरीफाई करना है आपका इस जीरोज का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दें, आप या तो सम का वेरीफाई कीजिए या फिर प्रोडक्ट का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक करिए। अगर कोई एक वेरीफाई होता तो 100% है, सेकेंड अंडरस्टूड है कि सेकेंड भी आपका क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं हम लोग, माइ अल्फा यानी कि क्या था माइनस टू और बीटा कितना था माइनस फाइव। तो माइनस टू माइनस फाइव जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते तो क्या आ गया माइनस सेवन। अब ये हो गया आपका LHS, RHS में आप देखते हैं RHS क्या था, RHS है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी का वैल्यू कितना है सेवन है और ए का वैल्यू कितना है वन है, तो माइनस सेवन बाई वन यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस सेवन। अब आप देख पा रहे हैं कि LHS और RHS आपका क्या है सेम है, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज़ वेरीफाइड, क्या ये वेरीफाइड है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, सेशन को आप एंजॉय भी करते जा रहे हैं। चलिए हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको, आपका PDF में इसका सॉल्यूशन बना हुआ है, आप कम्प्लीटली इसको देखेंगे तो समझ में आएगा बहुत ही बेहतर से, और इसको आप बाद में भी इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन का पूरा इसका सॉल्यूशन मिल सके और पूरा ज्ञान आपको मिल सके। आधा अधूरा नॉलेज जो होता है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो आपको पूरा सीखना है, अच्छे से सीखना है और कंपटीशन लेवल का सीखना है, इसलिए आप चैनल में बने रहिए और सेशन को इंजॉय कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ स्टूडेंट्स इफ़ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन एट फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको एक बेल का आइकन बन करके आएगा और इस बेल का आइकन को आपको क्या करना है प्रेस कर देना है। जैसे ही बेल के आइकन को आप प्रेस करते हो आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एक भी वीडियो इस तरह से मिस ना कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक
पॉलिनोमियल। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, डिग्री 3 हो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो समझने के लिए हुआ स्टूडेंट, सब पहचानने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको हम लोग पहचानते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अभी हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ जीरोज जो होता है वो डिपेंड करता है इसका डिग्री पे, तो डिग्री कितना है 3 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब इसका प्रूफ स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे प्रूफ था, उसी तरह से सेम वे में इसका भी हम लोग पॉलिनोमियल का प्रूफ करेंगे, और आपका जो रिजल्ट 3 बन करके आएगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड दैट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए होगा। अब इसको देखेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर आता कैसे है, तो हम लोग जैसे अभी प्रीवियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे हम लोग अभी प्रूफ किए थे, उसी वे में इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं उसमें कि अल्फा बीटा गामा मान लिए 3 जीरोज है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोज होगा, तो कौन कौन होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, तो इसलिए इस यहाँ पर फिर 3 फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही ये तीनों फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों फैक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बराबर होगा। फिर से अंदर हम लोग फिर से क्या करेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का जैसे मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया था। अब लास्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस गामा को ऐसे ही एज इट छोड़ देंगे, एक्स माइनस गामा को एजिट छोड़ देंगे। अब अंदर फिर से मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो होगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, और एक्स का जो कोफिशियंट होगा वो एक्स में आपका आएगा यहाँ पे अल्फा, देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है तो यहाँ पे डबल सम ऑफ जीरोज आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो ये क्या कितने के बराबर आएगा, सी बाई ए के बराबर आएगा। और उस तरह से लास्ट में फिर जो लास्ट का टर्म आएगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्व टू माइनस डी बाई ए। और स्टूडेंट्स सब इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि इसको प्रूफ, इम्पॉर्टेंट थिंग इसका ये है कि आपका ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है और बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। हाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ और, प्रीवियस का क्वाड्रेटिक का भी छूट गया, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते रहे, आप लोग देख लीजिए इसको। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि आपका सम ऑफ जीरोज दे देता है, क्वाड्रेटिक का मैं बात कर रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज दे दिया है मान लो ए है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है आपका बी, मान लो सम ऑफ जीरोज ऐसा लेते हैं, सम ऑफ जीरोज दे दिया है माइनस फाइव, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है 6, और आपको आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग एक ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं जब आपको दो जीरोज अल्फा एंड बीटा पता हो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी हमने बताया कि आपका लास्ट जो टर्म ये क्या आएगा, इसको याद रखिएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, और
आप इस रिलेशन के हेल्प से जब आपको अल्फा बीटा और गामा क्या होता है दिया हुआ होता है तो उस केस में आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल अगर फाइंड करने बोला जाएगा तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो। वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप चैनल पर बने रहिए, आपको एक से एक नॉलेज हमेशा मिलता रहेगा। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है इसका एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। स्टूडेंट एट फर्स्ट यू हैव टू वेरीफाई, आपको जीरोज अवर दे दिया है, ध्यान से देखें आपको जीरोज दे दिया है यानी अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये तीनों वैल्यू अब आपको दे दिया है। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल, जीरोज वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करके देखते हैं, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे जैसे ही तो हमें पता चल जाएगा, जैसे देखें यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि x के जगह पे यानी P3 अगर हम लोग निकालते हैं और अगर वैल्यू 0 आता है इसका मतलब क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो चलो देखते हैं चेक करके, 3 × 3³ - 5 × 3² - 11 × 3 तो देखिए इस तरह से 3³ यानी 27 × 3 यानी क्या हो जाएगा 81 माइनस 3³ = 9 - 5 = 45 फिर क्या होगा -33 - -3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 81 - 45 - 36। जब इसको ऐड ऑन कम्प्लीटली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 - 81 और ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कटने के बाद कट गया और कट करके रिजल्ट आपका कितना आ गया 0। स्टूडेंट्स और इस तरह से आपका ये क्या आ गया, पुट करने के बाद P3 का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो इसका क्या है, जीरोज है। और इसी तरह से आप लोग -1 और -3 पुट करके आप जीरो चेक कर सकते हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स। अब जीरोज एंड कोफिशियंट्स का रिलेशन फाइंड करना है, यहाँ पे आप PDF में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या करना है इसको कंपेयर करके ABCD का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। तो कंपेयर करने से A का वैल्यू कितना हो गया 3, B का हो गया -5, C का -11 एंड D का वैल्यू -3 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब जैसे ही हम लोग इसको पुट करके चेक करके देखेंगे तो सारा जीरो आ जाएगा एक एक करके, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग को वेरीफाई करना है रिलेशंस को भी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सेशन को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो इसे लाइक करना ना भूलें, सेशन को लाइक जरूर करते चले जाएं। हाँ तो आगे अब हम लोग इसको क्या चेक करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -B/A। तो चलिए अल्फ़ा कितना था 3, बीटा कितना है -1 और गामा क्या है -1/3। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है -(-5/3)। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप देखिए जो ये क्या है -5/3, माइनस क्या 5 क्या था बी था और ये माइनस तो यानी कि और ए क्या है 3 है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया LHS = RHS, ये तीनों का तीनों भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आई होप कि आप सेशन को एंजॉय कर, और इस तरह से आपका ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।